अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शन जो है ये टॉपिक कवर किया था। इसमें हमने पॉलिनोमियल फंक्शन को देख लिया था, फिर अगर आपके पास कोई मॉडुलस फंक्शन है उसमें अगर आपको रेंज निकालनी है, डोमेन तो मैंने बताया था इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। स्पेसिफिकली जो रैशनल फंक्शन है उसमें डोमेन निकालने का तरीका होता है और स्क्वायर रूट में होता है, बाकी ये तो ईजी होते हैं। तो वो डोमेन निकाला तो मैंने आप लोगों को बताई भी है। इनइक्वालिटी आती है, इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है वो तो पहले मैंने बताया हुआ था। असल टॉपिक था कि रेंज किस तरीके से निकालनी है फंक्शंस की। तो स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, मॉडुलस हो गया, रैशनल हो गया, जितने भी फंक्शन थे हमने एक जनरल तरीका पढ़ लिया था कि आपने रेंज इनकी किस तरह निकालनी है। एक तो है कि अगर आपको ग्राफ उनका आता है फिर तो अच्छा, ग्राफ नहीं भी आता तो आप अल्जेब्रिकली भी उनकी रेंज निकाल सकते हो। थॉमस कैलकुलस की बुक में फॉलो करवा रहा हूँ, टॉपिक तो मैं अपने हिसाब से करवा रहा होता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज होती है मैं वहां पे देखता हूँ, जो मुझे थोड़ा मुश्किल या कोई लेवल का लगता है वो मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ। वैसे तो अगर आप देखो तो ये मेरे अपने टॉपिक्स हैं, किसी बुक को मैं फॉलो नहीं करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.3 मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। जो क्वेश्चन मुश्किल थे वो मैंने पॉइंट आउट किए हुए थे कि ये क्वेश्चंस करवाएंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 थॉमस कैलकुलस है, 11th एडिशन है, आसानी से आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 26 है ये। तो बाकी आप देख लेना, खुद मैं सामने लिख भी रहा हूँ। तो 1 से लेके 6 तक हमने सबसे पहले करना है, और सवाल है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों मैंने बताया था ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डोमेन तो इसकी क्या होगी, सब रियल होगी, ठीक है बिल्कुल। अगर आप इसकी रेंज निकालना चाह रहे हो तो इसकी रेंज क्या होगी, सिंपल लैंग्वेज में आप इसे ग्राफ ड्रॉ कर लो अपनी आसानी के लिए। एक नॉर्मल तरीका भी मैंने बताया था, अल्जेब्रिकली इनवर्स निकाल लो, लेकिन आसानी से इसका ग्राफ ड्रा हो सकता है, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। ये सिंपल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, उसके अंदर 1 ऐड किया हुआ है। मैंने बताया था जब 1 ऐड करते हो फंक्शन के अंदर तो वो वर्टिकली ऊपर नीचे होता है, तो मैंने पॉजिटिव नंबर ऐड किया तो अब आपका ग्राफ इस तरह बनाएगा, बस ये फर्क हुआ है। तो इसको मैं अब क्यों इनवर्स निकाल के अल्जेब्रिकली सॉल्व करूं, डायरेक्ट मुझे पता है 1 यूनिट ऊपर गया है, इसका मतलब आपको क्या y वैल्यू मिल सकती है, क्या आउटपुट मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या 1 से ग्रेटर मिलेगा, 1 से नीचे आपका ग्राफ कहीं नहीं है। इसका मतलब इसकी रेंज क्या है, 1 से लेके इंफिनिटी। तो इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं, तो अल्जेब्रिकली करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स। अगेन वही बात, डोमेन क्या होगी इसकी, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए या 0 हो सकता है। ये जो फंक्शन है ना मैं लिखवा देता हूं, कल आप लोग लेना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स, या इसको इस तरह लिख दो ज्यादा अच्छी बात समझ जाएगी, ग्राफिकल अगर अंदाज से आप सॉल्व कर रहे हो। तो बच्चों डोमेन तो सब इसकी क्या होगी, पॉजिटिव नंबर, आप एक्स की जगह कुछ पॉजिटिव पुट कर सकते हो या 0 पुट कर लो, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डोमेन क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी, या तो 0 पुट कर लो या कुछ पॉजिटिव पुट कर लो। और अगर मैं आपको बोलूं इसकी रेंज बताओ, तो रेंज क्या हो जाएगी भाई, आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना, बल्कि मैं ड्रॉ करवा देता हूं, सिंपल माइनस रूट एक्स, अगर आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया नीचे बन जाएगा इस टाइप का, और माइनस रूट एक्स के अंदर अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो वर्टिकली ऊपर हो जाएगा, कंसीडर कर लो अगर ये 1 है तो ग्राफ आपका इस तरह बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूं रेंज क्या है, तो भाई या तो आपको 1 वैल्यू मिलेगी या 1 से कम कम मिलेगी आपको, ठीक है, आपको 1 से ऊपर नहीं मिल सकती। और ये बात सेंस भी बना रही है भाई, रूट एक्स जो है अगर 0 होगा तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी, अगर x की जगह कुछ और आप पुट करोगे, x की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे 4 पुट करता हूं तो आंसर 2 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस 2, और 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1, मतलब 1 से कम कम ही आपको मिलेगा, ज्यादा ज्यादा आपको 1 मिल जाएगा जब आपने x की जगह 0 पुट किया, वरना 1 से ग्रेटर आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात सेंस भी बना रही है। इसको हम किस तरह लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, दैट्स इट, ये आपको रेंज मिलेगी और आपको यहां पर नहीं मिल सकती। उसके बाद एक फंक्शन है f of t is equal to 1 upon root t. अच्छा 1 upon t, अगर से 1 upon t की मैं बात करूं तो हमने पढ़ा था कि 1 upon t का फंक्शन इस टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है, ये किसका ग्राफ होता है, ये होता है 1 upon t का, या 1 upon x कुछ भी आप बोल दो, यहां पे इनपुट वेरिएबल t दिया हुआ है उन्होंने। अब 1 upon t ग्राफ में होता क्या था, अभी देखो उसकी शेप डिफरेंट बनेगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी, मैं बेसिक आपको बात बता रहा हूं कि यहां पे आप t की वैल्यू अगर पॉजिटिव पुट करते थे तो आपका ग्राफ इस टाइप का बनता था, नेगेटिव पुट करते थे तो ग्राफ आपका थर्ड क्वार्ट में बन रहा होता था। पहली बात, इसमें नेगेटिव आप पुट ही नहीं कर सकते, आप पॉजिटिव पुट कर सकते हो, तो इसका मतलब इसका ग्राफ
लेफ्ट की तरफ हो ही नहीं सकता, वाई एक्सिस के लेफ्ट की तरफ इसका ग्राफ हो ही नहीं सकता मसले का। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव एक्स कुछ पुट ही नहीं कर सकते, पर नेगेटिव वैल्यू आप पुट ही नहीं कर सकते इसके अंदर, इसका मतलब लेफ्ट पे तो ग्राफ हो गए नहीं इसका, राइट की बात करते हैं। अब क्या इसका आंसर कभी नेगेटिव हो सकता है? इसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर आप पॉजिटिव एक्स की बात करो तो पॉजिटिव एक्स में दो क्वाड्रेंट आते हैं ना, फर्स्ट और फोर्थ, या तो ये क्वाड्रेंट होगा या ये क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई वैल्यू नेगेटिव होती है, और मैंने बताया इसका आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ए की जहां से इसका ग्राफ जो है ये फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में होगा। और अगर आप एजेंट टोर्ड्स की बात करो तो अगर मैं इसकी जगह टी की जगह जीरो पुट करूंगा तो मुझे वाई वैल्यू ये अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब आपको एक एजेंट टोर्ड मिल रहा होगा, जब जैसे ही आप जीरो के पास अप्रोच कर रहे हो आपको एक एजेंट टोर्ड मिल रहा होगा, मतलब आपकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है उसके ऊपर। इसी तरह आपको हॉरिजॉन्टल भी एजेंट टोर्ड मिल रहा होगा। हॉरिजॉन्टल क्यों मिल रहा होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्स क्यू को बहुत बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपका ग्राफ ऑलमोस्ट जीरो होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स इनफाइनाइट पुट करूंगा तो आपका ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट कोई नंबर तो नहीं है ना। तो कहने का मतलब जब मैं कुछ बड़ा पुट कर रहा हूं तो वाई वैल्यू से कम होती जा रही है, तो एसिम्प्टोट आपको एक एक्स एक्सिस में मिल रहा है। अब सवाल है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है लेकिन ग्राफ इसका किस टाइप का बनेगा? तो मैं समझाया तो था पहले, लेकिन मैं और प्रिसाइज लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि मसला ना हो आप लोगों को, दोबारा बता रहा हूं, पहले भी बताया था लेकिन एडिटिंग में कट हो जाएगा। अच्छा, तो समझाया मैंने ये था उसमें भी कि सिंपल लैंग्वेज हम समझते हैं कि भाई वन के बाद और वन से पहले, पहली बात ये दोनों ग्राफ वन पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसमें आप टी की जगह वन पुट करो आंसर वन आएगा, इसमें टी की जगह वन पुट करो आंसर वन आएगा, तो वन पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। वन के बाद वन से पहले क्या होगा? वन के बाद अगर कोई आप नंबर पुट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर फोर पुट करता हूं तो ये हो जाएगा वन अपॉइंट फोर, मतलब 0.25, और अगर इसके अंदर फोर पुट करूंगा ये हो जाएगा 1.2, मतलब 0.5। आप ऑब्जर्व ये कर रहे हो कि जब मैं इसके अंदर टी कुछ बड़ा पुट कर रहा हूं तो ये चीज छोटी है एज कंपेयर टू इसके, मतलब अगर मैंने फोर पुट किया था इसके अंदर आंसर 0.25 आ रहा है, इसके अंदर फोर पुट किया इसके अंदर आंसर 0.5 आ रहा है। इसका मतलब एक पॉइंट होगा 1.1, उस पर तो ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला ग्राफ जो है ना ये 1.1 पॉइंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। इसकी वैल्यू देखो जल्दी कम हो रही है, इसकी वैल्यू आहिस्ता कम होगी। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके अंदर 9 पुट करोगे तो 1.9 इज ऑलमोस्ट 0.1 समथिंग होगा, और इसके अंदर 9 पुट करोगे 1.3 हो जाएगा, मतलब 0.3 अभी भी ऊपर है। तो ये होगा कि बस थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा, तो थोड़ा ग्राफ ही ऊपर होगा एज कंपेयर टू उसके। और 1 से पहले क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके अंदर 0.5 पुट करते हो तो 1/0.5 क्या होता है? 2 के बराबर होते हैं। और यहां पे बिल्कुल अगर आप टी की जगह 0.5 पुट करोगे तो 0.5 का स्क्वायर रूट, मतलब 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0.7 समथिंग होगा कुछ। तो 1/0.7 जो है वो छोटा होगा एज कंपेयर टू 1/0.5। 1/0.5 तो 2 होता है ना, तो 1/0.7 समथिंग 1 और 2 के दरमियान होगा। तो कहने का मतलब जब 1 के मैं इस तरफ आ रहा हूं ना तो ये वाली वैल्यू जो ओरिजिनल था ये बहुत जल्दी भर रहा है एज कंपेयर टू दिस, ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता भर रहा है। तो दैट्स व्हाई 1 के जैसे मैं इस तरफ आ रहा हूं ना तो इसमें आपको वैल्यू थोड़ी ज्यादा एकदम से इंक्रीज मिल रही है कि ज्यादा है, जबकि इसमें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी। तो इसको हम इस तरह बना लेते हैं कि इसमें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो, मतलब 1 से आप आ रहे हो वाई वैल्यू ठीक है मिल रही है आपको लेकिन एकदम से नहीं मिल रही, लेकिन इसमें 1 के जैसे ही इस तरफ आ रहे हैं वाई वैल्यू आपको ज्यादा मिल रही है, ठीक है। तो इस तरफ इसका ग्राफ इससे नीचे होगा और इस तरफ इसका ग्राफ इससे ऊपर हो जाएगा, तो हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा। डोमेन रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, डोमेन इसकी पॉजिटिव है, आप कुछ भी पॉजिटिव पुट कर सकते हो, इवन 0 भी नहीं पुट कर सकते। और रेंज इसकी क्या होगी? अगेन रेंज भी पॉजिटिव ही है क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब 0 आपको कभी नहीं मिलेगा, पॉजिटिव ही वाई वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़े मुश्किल फंक्शन आ जाए जिनको ड्रॉ करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या कर दिया, एक फंक्शन दे दिया लिखा हुआ 1/1+√t, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं जरा ग्राफ देख लेता हूं इसका ग्राफ बन कैसे रहा है, लेकिन नॉर्मल बंदे के लिए मुश्किल होगा इसका ग्राफ जज करना। हाँ, इस ग्राफ थोड़ा अजीब से ही बन रहा है पूरा, तो ये आसान नहीं है आपके लिए बताना, अनलेस अगर आप पॉइंट पिक करो और वो खाली काटो। तो इसकी डोमेन निकालना तो बड़ा मसला नहीं है, डोमेन तो वही है ना कि टी पॉजिटिव हो सकता है और टी -1 के बराबर नहीं हो सकता, नहीं खैर ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा तो -1 के बराबर कैसे होगा, मतलब यहां पे आपने टी क्या पुट करना है, कुछ पॉजिटिव पुट करना है। तो यहां पे डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी 0 से लेके इन्फिनिटी। 0 मैं पुट कर सकता हूं क्योंकि अगर मैं यहां पे 0 पुट करूंगा तो 1+0 अलाउड है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता यहां पे, क्यों? क्योंकि ये वाली टर्म नेगेटिव होगी नहीं
और अगर ये नेगेटिव नहीं हो रही तो डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता। डिनोमिनेटर जीरो एक ही शर्त में होता है कि अगर ये पूरी चीज माइनस वन होती, वो तो पॉसिबल है नहीं। उसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, वो तो मसला नहीं है, बस आप रूट देख लो कि रूट नेगेटिव ना हो। तो रूट नेगेटिव नहीं होगा अगर आप टी जो है वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान कुछ भी रूट कर लो, कुछ नहीं होगा। तो डोमेन तो आ जाएगी, रेंज निकालने के लिए इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज करो जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। आप क्या करो, इंटरचेंज करो, ये हो जाएगा वाई के लिए सॉल्व करना है, इधर ले आते हैं इसको और टी को इधर ले जाते हैं, सही है। अच्छा जी, वन को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा। जरा सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, वन माइनस टी अपॉन टी, सॉल्व करो, स्क्वायरिंग करो, ये वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन टी। आप क्या करो, ये इनवर्स आया, आप इस इनवर्स के डोमेन निकाल लो। इनवर्स की जब मैं डोमेन निकालूंगा, सबसे पहले टी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता ना, तो एक तो बच गया टी जीरो नहीं हो सकता। और अगर आप ऊपर देखो ना, ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप टी कुछ भी पुट कर दो। अगर आप इसको ओपन करो तो ये सिंपल ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक पॉलिनोमियल है, आप कुछ भी पुट कर दो इसके अंदर टी की जगह, टी को क्या मसला है। बस डोमेन जब हमने इसका देखा ना इस पूरे फंक्शन के अंदर, आप टी की जगह जीरो नहीं पुट कर सकते, आप टी की जगह नेगेटिव पुट कर दो, आप टी की जगह पॉजिटिव पुट कर दो, कोई इशू नहीं है, बस जीरो नहीं पुट कर सकते आप, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डोमेन निकालू तो डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो और जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक लिखेंगे, तो जो इसकी डोमेन होगी वही रेंज इसकी होगी। बस अब आपको थोड़ा देखना है कि बाकी बात ठीक है नहीं है। अगर ऑब्जर्व करते हैं, क्या ये फ्रैक्शन नेगेटिव हो सकती है, आप बस इतना ऑब्जर्व करो, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव कैसे होगी। भाई रूट टी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अगर ये चीज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला रीजन तो हटा दो, ये कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करो, आपको क्या देखो, जीरो तो ऑलरेडी शामिल नहीं है, ठीक है, तो ये तो बात सेंस बना रही है, मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है, जीरो इसके अंदर इंक्लूड हो नहीं सकता क्योंकि जीरो आ नहीं सकता ना। इस फंक्शन की वैल्यू जीरो कैसे होगी, भाई जीरो उस वक्त होती है जब आपका न्यूमरेटर जीरो हो जाए, न्यूमरेटर जीरो हो ही नहीं सकता इसका, इसका मतलब इसका आंसर जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो ऑलरेडी इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हमें लग रहा है कि इसकी रेंज जो है वो क्या है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी है इसकी, नेगेटिव तो हमने पहले हटा दिया। लेकिन एक और मसला भी है, मसला ये है कि इसका आंसर वन से ग्रेटर नहीं हो सकता। वन से ग्रेटर क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा देख लेते हैं। वन से ग्रेटर इसलिए नहीं हो सकता कि देखो ऊपर है वन, नीचे लिखा हुआ है वन प्लस। अब अगर यहां पे मैं जीरो पुट करूंगा तो मुझे आंसर वन मिलेगा, उसका मतलब वन मुझे इसका आउटपुट मिल सकता है, वन से ग्रेटर कुछ नहीं मिल सकता। वन से ग्रेटर क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि देखो ये चीज या तो जीरो होगी या ये चीज पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉजिटिव में हम वन कंसिडर करते हैं तो वन अपॉन टू क्या होता है, 0.5। आपको वन मिलेगा ही नहीं इसके आउटपुट में, वन कैसे मिलेगा, वन उस वक्त मिलता है जब इसका आउटपुट कुछ छोटा होता है वन से, तो आप वन को डिवाइड करते वन से छोटे वाले नंबर से, तो आंसर आपको वन से ग्रेटर मिलता, ऐसा मिल ही नहीं सकता इसके अंदर। आप यहां पे कोई भी पॉजिटिव पुट कर दो, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कंसीडर कर लो रूट के अंदर मैंने 100 पुट किया, मुझे आंसर 10 मिला, अगेन 1/11 जीरो और वन के दरमियान होगा। इसका मतलब इसका आंसर जीरो और वन के दरमियान ही रहेगा, ना जीरो होगा, हाँ वन हो सकता है लेकिन जीरो और वन के दरमियान ही रहेगा, ठीक है। तो हमने यहां से देखा कि भाई एक्चुअल जो यहां पे हमें कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, वो ये कि जीरो और वन के दरमियान आंसर रहेगा, वन से ग्रेटर नहीं हो सकता, वन हो सकता है, वन उस वक्त होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे जीरो पुट कर दो, क्योंकि डोमेन में जीरो आ रहा है ना, आप जीरो पुट कर सकते हो, तो जब आप जीरो पुट करोगे तो आंसर आपको वन मिलेगा। तो बच्चों इस तरीके से आप निकालोगे, जस्ट आपने अब ये ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, तो आपने इनवर्स निकाला, इनवर्स के बाद जो डोमेन आई वो रेंज बन जाती है, लेकिन आपको चेक करना पड़ता है क्या ये बात ठीक है, क्या ये आंसर आपको मिल रहे हैं इस टाइप के। थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करोगे तो बात आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास दिखा हुआ एक फंक्शन जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 - z². तो बच्चों इसी टाइप का सवाल मैंने आप लोगों को डोमेन एंड रेंज में करवाया था, तो वहां पे मतलब जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें कवर करवाया था कि इसकी रेंज किस तरह निकालनी है। डोमेन निकालने का तरीका तो सिंपल है कि 4 - z² को ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो रखो। रेंज निकालने के लिए इनवर्स वाले टेक्निक लगाएंगे, वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। इसी तरह ये वाला फंक्शन भी लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें वही डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये सब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो 1 से लेकर 6 तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, यहीं पे हम मैं मिटा देता हूं फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला हुआ है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है स्क्वायर रूट, जिसके अंदर आपको 1/(x-1) दिया हुआ है। ये पूरा फंक्शन गिवन है और आपसे पूछा गया, कैन एक्स बी आर नेगेटिव
वो आपको बोल रहे हैं कि क्या x नेगेटिव हो सकता है। तो पहले इसी सवाल का हम जवाब देखते हैं कि क्या x नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं, आप इसकी डोमेन निकाल लो, सिंपल सी बात है, डोमेन निकालो ताकि बाकी सवाल भी आसानी से बता सकते हो। डोमेन क्या होती है कि आप स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो रखो आप उसको। अब इसके सॉल्व करने के दो तीन तरीके थे, अगर आप लोगों को याद हो कि रैशनल इनइक्वालिटीज, आई गेस लेक्चर 5 और लेक्चर 6 था, मैंने उसके अंदर बताया था कि रैशनल इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करते हैं ना तो दो तीन मेथड से हम कर सकते हैं, दो तीन अप्रोचेस आप ले सकते हो, जो अप्रोच आप लेना चाहो आप ले लो उसमें और उसको सॉल्व कर लो। तो वहां मैंने डिस्कस किया था लेक्चर के एंड पे, आई गेस लेक्चर 5 था, जो रैशनल वाला था उसमें मैंने बताया था। तो मैं अप्रोच सिंपल ये लेता हूं कि इसको मैं एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है। अब जीरो से निकालते हैं, एक तो एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है और एक एक्स की वैल्यू वन आ रही है, वही मैं काम करता हूँ, जीरो और वन ले लेता हूँ, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे पॉइंट फाइव ले लेते हैं, यहाँ पे टू ले लेते हैं। तो माइनस वन अगर आप यहाँ पे पुट करोगे इस जगह पे तो ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन नीचे नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आप 0.5 पुट करोगे ऊपर पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है, और अगर 2 पुट करोगे ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव लेकिन ओवरऑल नेगेटिव, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है, जीरो से लेके वन है। अब सवाल है कि जीरो और वन शामिल है, जीरो शामिल नहीं है, वन शामिल आप कर सकते हो, ठीक है। जीरो इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि अगर आप यहां पे जीरो पुट करोगे तो वन अपॉन जीरो हो जाएगा, वन अपॉन जीरो एक अनडिफाइंड फॉर्म है पूरी, तो उसका मतलब जीरो और वन के दरमियान आप कुछ भी पुट कर सकते हो। और ये बात सेंस भी बना रही है, आप कुछ पॉजिटिव नंबर यहाँ फॉर एग्जाम्पल जीरो से ग्रेटर नंबर पुट करो, 0.5 पुट करते हैं तो 1/0.5 2 हो जाएगा, 2-1 इज अ पॉजिटिव। आप 0.9 पुट करो, 1/0.9 1 से ग्रेटर ही होगा, अगेन ये चीज पॉजिटिव होगी। आप यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो, 1 पुट किया 1-1 0 अलाउड है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 से ग्रेटर कुछ पुट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पुट किया तो 1/2 क्या होगा, 0.5 इज अ नेगेटिव नंबर और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल आपने डोमेन निकाल ली। तो पूछा गया था आपसे कैन एक्स बी अ नेगेटिव, नहीं भाई एक्स नेगेटिव हो नहीं सकता, क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक्स की जगह कंसिडर कर लो -2 पुट कर दिया तो हो जाएगा 1/-2, 1/2 -2 और -1 नेगेटिव ही आएगा डेफिनेटली, तो एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात, और अगर रीजन आपसे पूछे जाए बता दो, डोमेन के अंदर आता ही नहीं नेगेटिव। फिर लिखा हुआ बी में कैन एक्स इज इक्वल टू जीरो, नहीं भाई एक्स जीरो के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि अगेन वो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। पार्ट नंबर सी है कैन एक्स बी ग्रेटर देन 1, नहीं हो सकता 1। अगर शॉक हो तो आप पुट करके दिखा देना, टेस्ट वैल्यू ले लेना कि 1 से ग्रेटर, फॉर एग्जांपल मैं 2 पुट कर रहा हूं और देखना क्या मसला हो रहा होगा। तो ये सब सवाल उसी से रिलेटेड है अगर आप डोमेन निकाल लो। और एंड में बोला हुआ व्हाट इज द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, आपसे पूछा रहा है कि डोमेन बताओ जो ऑलरेडी हमने निकाल ली थी। तो अगर डोमेन आपको निकालनी आती है ना तो सिलेक्ट सवाल कॉन्सेप्ट है वो सब आपके आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला है कि कंसीडर फंक्शन y इज इक्वल टू 2-√, मतलब उसके ऊपर भी रूट है और x के ऊपर भी है। लिखा हुआ कैन x बी अ नेगेटिव, अगेन वही सबसे पहले डोमेन निकाल लेते हैं, बात क्लियर करते हैं। डोमेन किस तरह निकालोगे, जो पूरी चीज है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप क्या करो, स्क्वायर रूट को हम इधर ले जाते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब आप स्क्वायरिंग करो, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 4, मतलब सिंपल x इज लेस देन 4 का मतलब क्या है, -∞ से लेके 4, ये मतलब है। तो डोमेन यहाँ पे क्या है, -∞ से लेके 4। लेकिन जरा चेक कर लेते हैं क्या ये बात ठीक है नहीं, क्योंकि दो दो रूट है यहाँ पे, जरा बात तो देख लेते हैं भाई। सवाल ये कि -∞ से लेके 4 के दरमियान नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, क्या नेगेटिव नंबर यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर सकते हो? क्योंकि देखो आपने स्क्वायरिंग की है ना, तो स्क्वायरिंग करने के रिजल्ट में ऐसे नंबर आ सकते हैं जो मसला कर सकते हैं, तो बेहतर है कंफर्म कर लो आप। उसका मतलब नेगेटिव एक्स तो पुट ही नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, ये तो बात ही गलत है, नेगेटिव एक्स नहीं पुट हो सकता है यहाँ पे। इसका मतलब जो नेगेटिव नंबर हमको हटाना पड़ेगा, मतलब 0 से लेके 4 कंसीडर कर लो आप, तो नेगेटिव नंबर तो मैंने वैसे ही हटा दिए, ठीक है। अब देखो क्या नंबर ठीक है, 0 पुट कर सकता हूँ, अलाउड है, यहाँ पे 0 पुट करो, 2-0 2 होता है, कोई मसला नहीं है। 0 से ग्रेटर फॉर एग्जाम्पल 1 पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे 2 पुट कर सकते हो, कोई नहीं है। 3 पुट कर लो, कोई नहीं। 4 पुट करोगे तो 2-2 0 हो जाएगा, 4 से ग्रेटर पुट नहीं कर सकते क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 पुट करोगे ना तो √5 का आंसर 2 से ग्रेटर होता है, और 2-2 से ग्रेटर डेफिनेटली बड़े वाले रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी एक्चुअल में डोमेन है। अब जरा सवालों के जवाब देते हैं, कैन एक्स बी अ नेगेटिव, नहीं हो सकता नेगेटिव, बता देना इसको मसला हो जाएगा। कैन √x बी ग्रेटर देन 2, बोल रहे क्या √x ग्रेटर देन 2 हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो √x है
अगर ये रूट एक्स ग्रेटर देन 2 होगा, फॉर एग्जाम्पल 3 हो गया, तो 2 माइनस 3 क्या होगा? नेगेटिव, तो बड़े वाले रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब रूट एक्स जो है वो ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता। इस इक्वेशन ने भी आपको बताया कि या तो 2 के बराबर हो या लेस हो। पे लिखा हुआ व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, वो आपने ऑलरेडी निकाल दी, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला हुआ 17, मतलब मैंने 17 करवाना है। 17 में क्या गिवन है भाई, खास बात क्या है, ये फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स, ये 17 है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, ये लिखा और एक्स पे मॉड लगाया है। और करना क्या है इसको, लिखा हुआ फाइंड द डोमेन एंड ग्राफ ऑफ ए आर, किस पेज पे हो गए, गलती से पेज ऊपर हो गया, एक्सरसाइज 1.3 है ना, हाँ मिल गया, मिल गया। तो आपको बोला गया कि फाइंड द डोमेन एंड ग्राफ द फंक्शन। सबसे पहले डोमेन आपको निकालनी है, डोमेन कुछ भी पुट कर दो भाई, कोई मसला ही नहीं है, मॉड लगा दिया ना, मसला ही नहीं है कुछ। आप इसके अंदर पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो, अगर सिर्फ स्क्वायर रूट होता तो मैं पॉजिटिव या जीरो पुट करता। अब भाई मॉड लग गया, भाई मॉड आ गए हैं तो क्या मसला है, पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, मॉड तो पॉजिटिव ही कर देगा। इसका मतलब यहां पे आप कुछ भी पुट कर दो, कोई मसला ही नहीं है, यहां पे एंजॉय करो। रियल नंबर है, रियल नंबर को इस तरह भी लिख सकते हैं डबल नोटेशन में, तो कुछ भी रियल नंबर पुट कर दो, डोमेन को कोई मसला नहीं है। तो ये तो ना निकाल लिया, फिर ना ग्राफ करो इस फंक्शन को। अब ग्राफ कैसे करेंगे भाई, ये तो बात हमें पता थी कि स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ ये होगा, ये था वाई इज इक्वल टू रूट एक्स का। देखिए वाई इज इक्वल टू रूट मॉड एक्स का क्या होगा, देखो मॉड करेगा क्या, यहां पे मॉड मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं डालेगा। यहां पे अगर आप 2 पुट करोगे तो मॉड ऑफ 2 क्या होता है, 2 ही होता है, असर तो नहीं डाल रहा। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस 2 का मॉड क्या होता है, 2, तो स्क्वायर रूट 2 का आंसर आपको मिलेगा। तो दो बातें आपको यहां से समझ आई, मॉड के साथ ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ग्राफ जिस तरह शेप है ना उसकी, मॉड के साथ वैसी रहेगी। शेप चेंज उस वक्त होती है ना जब वो चीज चेंज कर रही है, वैल्यू तो वैसी रहेगी, मॉड तो कुछ नहीं कर रहा। और दूसरी बात आपने सीखी कि जो आपको पॉजिटिव एक्स पे वैल्यू देता था ना रूट एक्स, सेम नेगेटिव एक्स पे भी वही वैल्यू देगा, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 2 पुट करो तो आंसर क्या होगा, रूट 2। अगर आप यहां पर माइनस 2 पुट करो तब भी आंसर होगा रूट 2। इसका मतलब जो पॉजिटिव एक्स पे आपको ग्राफ मिलता था ना, सेम नेगेटिव एक्स पे वही मिलेगा, कोई फर्क नहीं है यहां पर। ये पूरा ग्राफ किसका हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का। तो मॉड ने वैल्यू पे कोई फर्क नहीं रखा, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं रखा, बस ये है कि मॉड की वजह से अब आप अलाउड हो कुछ नेगेटिव पुट करने के लिए, वैल्यूज वही आएंगी जो आपने पॉजिटिव पुट करके आपके पास आई थी, ये फर्क होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ 19 के ऊपर। 19 में आपको बोला हुआ ग्राफ करो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी अपॉन मॉड टी। इसको किस तरह सॉल्व करना, देखो मॉड आ जाए ना तो मॉड में आप क्या करते हो, इस मॉड का आंसर क्या होता है, आपने पीस वाइज फंक्शन में पढ़ा था कि मॉड एक्स या तो बराबर होता है एक्स के या मॉड एक्स बराबर होता है माइनस एक्स के। एक्स के बराबर उस वक्त होगा जब एक्स पॉजिटिव या जीरो है। देखो यहां पे तो जीरो नहीं हो सकता, सेंस नहीं बनेगी, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। और नेगेटिव एक्स के उसमें बराबर होगा जब एक्स जो है वो नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन जीरो होगा। तो हम दो हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं इसको, सबसे पहले जब टी पॉजिटिव होगा, जब t पॉजिटिव होगा ना तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड t जो है वो सिंपल t के बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और जब t लेस देन 0 होगा तो इस फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, t अपॉन माइनस t, क्योंकि मॉड t बराबर होता है माइनस t के, ये हो जाएगा माइनस 1। 0 पे क्या होगा, 0 पे इनडिटर्मिनेट है, अगर आप यहां पे 0 पुट करो 0 अपॉन 0 आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो 0 पे आपको नहीं पता। जब आप ग्राफ बनाओगे क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब ये रीजन है, जब भी कुछ पॉजिटिव पुट करोगे तो आंसर 1 मिलेगा, मतलब सिंपल इक्वेशन है y is equal to 1। कंसीडर कर लो अगर ये 1 है तो इस टाइप की आपको लाइन मिलेगी, कंसीडर कर लो ये माइनस 1 है तो इस टाइप की लाइन मिलेगी। भाई सवाल ये है कि 0 पे क्या होगा, 0 पे आपको नहीं पता, तो 0 पे आप यहाँ पे ओपन बना दो, 0 पे नहीं आपको पता क्या आंसर है। हाँ अगर कुछ पॉजिटिव पुट करोगे तो आंसर 1 आएगा, नेगेटिव पुट करोगे तो माइनस 1 आएगा, 0 पे हमें नहीं पता भाई क्या आंसर आ रहा है इसका। उसके बाद है 19 के बाद 20। अच्छा जी, फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, दिखने में सेम टाइप का लग रहा है ये फंक्शन, जी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड टी। अब इसने क्या चेंजिंग लाया यहां पे, एक था 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का ग्राफ हमें पता है, 1 अपॉन टी का ग्राफ क्या होता, ये 1 अपॉन टी का ग्राफ होगा। 1 अपॉन मॉड टी में क्या होगा, देखो पॉजिटिव पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
जब आप कुछ पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, अगेन वही मॉड वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डालता, आप कुछ यहां पे पॉजिटिव पुट करो तो इसका ग्राफ और 1/t का ग्राफ सेम ही रहेगा, क्योंकि फर्क कुछ नहीं पड़ रहा ना। आप सिंपल 1/t में टी की जगह कुछ पॉजिटिव पुट करो या 1/mod t में टी की जगह कुछ पॉजिटिव पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम ही रहेगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू पे ग्राफ एज इट इज सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव पे क्या फर्क पड़ेगा? नेगेटिव पे ये होगा कि अब आपको जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके अंदर टी की जगह 2 पुट करते थे तो आंसर आपको 2 मिलता था, मॉड ऑफ 2 होता है। अगर आप इसके अंदर मतलब ये सिचुएशन में आपको आंसर 1/2 मिलता था, अगर आप इसके अंदर -2 पुट करोगे तब भी 1/2 मिलेगा। इसका मतलब जब कुछ आप नेगेटिव पुट कर रहे हो तो सेम वही वैल्यूज मिल रही है जो आपको पॉजिटिव पुट करने पर मिल रही थी, तो सेम उसके अंदर भी यही होगा। क्या कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे 2 पुट कर रहे थे तो जो 2 पे आपको वैल्यू मिल रही थी वही -2 पे भी आपको वैल्यू मिल रही होगी। जो आपको फॉर एग्जाम्पल 4 पे मिल रही थी, कंसीडर कर लो 4 है, जो 4 पे यहां पे मिल रही थी सेम आपको -4 पे भी यहां पे मिलेगी। इसका मतलब सेम वैल्यूज आपको मिल रही होंगे, जो ग्राफ इस तरफ है वही ग्राफ इस तरफ है और शेप इस टाइप की आ जाएगी, ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे आया भाई? सेम ही है, क्योंकि इवन फंक्शन है ना ये, अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो, इसमें वो टी की जगह -t पुट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन फंक्शन है ये, तो वाई एक्सिस के अलावा आपको सिमेट्री नजर आ रही है इसकी। तो अगर आप पॉजिटिव कुछ पुट करो तो वाई वैल्यूज वही मिलेंगी, अगर आप नेगेटिव पुट करो तब भी वाई वैल्यूज वही मिलेंगी। तो अगर कोई आप यहां पे पॉइंट ड्रॉ करते हो तो यहां पे भी ड्रॉ कर लो, यहां पे एक पॉइंट है तो यहां पे भी होगा, क्योंकि एक्स वैल्यू चेंज है लेकिन वाई वैल्यू आपको सेम मिल रही है पूरी, तो सर्वग्राफ ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद 21 का ए भी है, खतरनाक लग रहे हैं, जरा देख लेते हैं, इतना खतरनाक नहीं है। 21 में आपको बोला है कि आप ग्राफ करो इस वाली इक्वेशन को, अब उन्होंने इक्वेशन बोला आप ये फंक्शन है या नहीं है, और लिखा हुआ एक्सप्लेन व्हाई दे आर नॉट ग्राफ ऑफ फंक्शन, बता रहे हैं कि वो फंक्शन नहीं है और कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करो फंक्शन क्यों नहीं है। अच्छा जी, अब इसको ड्रॉ किस तरह करना है, मॉड वाई के ऊपर लगा हुआ है, अगेन वही बात है, अगर वाई पॉजिटिव होगा या जीरो के बराबर होगा तो मॉड वाई बराबर होगा वाई के, और अगर वाई नेगेटिव होगा तो मॉड वाई बराबर हो जाएगा माइनस वाई के। आप इस तरह इसको समझ लो, ठीक है, और ड्रॉ कर लो। फॉर एग्जाम्पल इसकी दो फॉर्म बनेगी, या तो मॉड वाई वाई के बराबर है तो इक्वेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू एक्स, या मॉड वाई माइनस वाई के बराबर होगा तो इक्वेशन बनेगी माइनस वाई इक्वल टू एक्स, माइनस को उधर ले जाओ। सिंपल लैंग्वेज में एक है वाई इज इक्वल टू एक्स, एक है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ड्रॉ कर लो इसको, कौन सी बड़ी बात है, वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन होती है, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन होती है। लेकिन अभी पीस वाइज फंक्शन है क्योंकि खास डोमेन के अंदर है, डोमेन नहीं बोलेंगे इसको, खास वाई वैल्यू के अंदर आप ये कह सकते हो उसको, कि ये जो वाई इक्वल टू एक्स आपने ड्रॉ किया है ना, ये आप उसी वक्त ड्रॉ करोगे जब वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव मतलब ऊपर ऊपर, उसका मतलब नीचे वाला हिस्सा मिटा देंगे, जब वाई पॉजिटिव है तो आप इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। और नीचे वाले ये है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स की इक्वेशन, इसको आप उसे ड्रॉ करोगे जब वाई नेगेटिव होगा, मतलब नीचे नीचे, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में यार आपने इनवर्स मालूम किया है, जैसे ये फंक्शन होता है ना वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसका इन्वर्स मालूम करते हुए क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे ना, तो वेरिएबल्स को इंटरचेंज किया हुआ बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये था वाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक, ये होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक जब आप इंटरचेंज करते हो इस तरह बाल। तो आपने इन्वर्स यहां पे मालूम किया हुआ है, इन्वर्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन, मैंने बताया था। तो रिफ्लेक्शन जब वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन पे करते हो तो बस आपने इंटरचेंज करना होता है, तो वही हुआ है यहाँ पे बाल। तो ये इसका ग्राफ बनेगा मॉड वाई इक्वल टू एक्स का, और भी तरीके होते बनाने के लेकिन ये वाला इजी तरीका मैंने बना लिया। फंक्शन नहीं है क्योंकि वर्टिकल लाइन बनाओगे तो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास नहीं होगा, तो यहां मेंशन कर देना कि फंक्शन नहीं है। उसके बाद पार्ट बी में, ये पार्ट ए है, पार्ट बी में आपको बोला था कि आप इसको ड्रॉ करो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको ड्रॉ किस तरीके से आप करोगे, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे जहन में आ रहा है कि मैं इसको एक्स स्क्वायर को उधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। तो दो स्ट्रेट लाइन आ रही है, एक है y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक है y प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये वही दो स्ट्रेट लाइन जो ऊपर आपने पढ़ी है। तो ये है y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स, बस इसमें और उस ग्राफ में फर्क क्या है, वो पीस वाइज था, खास पीसेस पे डिफाइन था। y इज इक्वल टू एक्स आप पूरे ग्राफ पे नहीं बना रहे थे, आप जस्ट इसके अंदर बना रहे थे, जबकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्यों स्क्वायर लगा रहा है, कोई मसला नहीं है भैया, कहीं भी बना दो कोई इशू नहीं है, सब सेटिस्फाई कर रहे होंगे इसको। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा,
y is equal to x लाइन क्या होती है, ये लाइन है y is equal to x वाली, और y is equal to minus x वाली लाइन क्या है, ये ग्राफ है इस वाली इक्वेशन। कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है आपको, कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे, सब बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। आप इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे ना उनमें सेम एक्स और वाई वैल्यू होती है, मतलब 2 2 3 3 1 1 इस टाइप की होगी। इधर आओगे तो -1 -1 -2 -2 -3 -3, तो जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल -3 यहाँ पे पुट करो और -3 यहाँ पे पुट करो, -3 का स्क्वायर 9 ही होता है, इक्वेशन सेटिस्फाई है। और अगर आप इस वाले की बात करो y is equal to minus x, ये वाली लाइन होती है, इस पे क्या होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये वाला रिलेशन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल -1 1 -2 2 -3 3, और इधर क्या हो जाएगा 1 -1 2 -2 3 -3, ये रिलेशन होगा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप स्क्वायर लगा हुआ है, बेशक एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है ना, नंबर आपस में सेम होंगे, मतलब 3 -3 मैग्नीट्यूड तो दोनों के 3 है ना, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा होगा, नेगेटिव को स्क्वायर ने हैंडल कर लिया। इसका मतलब ये यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। और अब अगर आपसे पूछा जाए फंक्शन है नहीं, तो डेफिनेटली वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे यार ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। उसके बाद आखिरी सवाल है, ये वो सीलिंग फ्लोर फंक्शन जो करवाए थे ना उससे रिलेटेड है, तो वो फंक्शन आप लोगों ने इतने पढ़े नहीं है तो शायद कंफ्यूज कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। 33 से स्टार्ट करते हैं। 33 में लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, बताओ ऐसी x की कौन सी वैल्यूज हैं कि इस पूरी चीज का आंसर जीरो होगा और इस पूरी चीज का आंसर जीरो होगा, मतलब ऐसी कौन सी x वैल्यूज हैं जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अगर आप सबसे पहली इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन में बच्चों अगर आप x की जगह पे जीरो पुट करोगे तो आंसर जीरो आता है, ठीक है। अगर जीरो से बड़ा पुट करोगे तब भी आंसर जीरो आ रहा होता है, आप 0.1 पुट करो, 0.2, 0.5, 0.6, 0.9 आप पुट करते जाओ, सबका आंसर जीरो ही मिलता है आपको, क्योंकि वो वैल्यू को नीचे कर देते हैं। इसका मतलब आप जीरो पुट करो तब आंसर आपको जीरो मिलेगा, जीरो से बड़ा पुट करते रहो अप टू 1 पुट नहीं करना, क्योंकि 1 पुट करोगे तो आंसर 1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी इन एक्स की वैल्यूज पे, इन एक्स में से आप कुछ भी पुट कर दो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर इसकी बात करते हैं, सबसे पहली बात जीरो तो इसमें शामिल है, जीरो का हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहां पे फॉर एग्जांपल जीरो से बड़ा कुछ पुट करोगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि सीलिंग फंक्शन है, 0.1 पुट करोगे आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन जीरो से पहले आते हैं, अगर आप इस फंक्शन में -0.9 पुट करो तो आंसर 1 मिलेगा, सॉरी 0 मिलेगा, -0 मतलब इस तरह समझो ना कि ये 0 है और ये -1 है। तो फ्लोर फंक्शन क्या करता है, कोई भी आप वैल्यू पुट करो ये आपको राइट वाला इंटीजर देता है। तो अगर आप यहां पे -0.9 पुट करो तो यहां से 0 देगा, -0.5 आंसर 0, -0.1 आंसर 0। इसका मतलब -1 पुट नहीं करते ना, क्योंकि -1 पुट करोगे तो -1 आएगा। -1 से लेके 0 के दरमियान आप कुछ भी पुट कर लो आंसर आपको 0 मिलेगा, इनफैक्ट अगर आप 0 भी पुट करोगे तो आंसर 0 मिलेगा। तो 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट और -1 शामिल नहीं करना, इसलिए -1 पे राउंड ब्रैकेट। 34 में लिखा हुआ है व्हाट रियल नंबर सेटिस्फाइज इस इक्वेशन को। 34 में है कि एक इक्वेशन गिवन है, फ्लोर फंक्शन x और सीलिंग फंक्शन x, वो कह रहे हैं कि बताओ इसको कौन सी x वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, जितने भी इंटीजर हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फ्लोर और सीलिंग फंक्शन बराबर होते हैं कि जब आप उनके अंदर इंटीजर पुट करो, इसके अंदर अगर आप 2 पुट करोगे तो आंसर 2 आएगा, इसके अंदर भी 2 पुट करोगे तो आंसर 2 आएगा। इसका मतलब x belongs to integer, आप कुछ भी इंटीजर यहां पे पुट कर दो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो, इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। अच्छा जी, फिर लिखा हुआ है 35 में करवाता हूं, थोड़ा पकाऊ सा है। 36 में क्या लिखा हुआ है कि ग्राफ द फंक्शन, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) इक्वल टू फ्लोर फंक्शन उस वक्त जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, और सीलिंग फंक्शन जब x लेस देन 0 है। तो बच्चों सिंपल एक काम करना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इनके फंक्शन आपने बनाने हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, उसके बाद पॉइंट को फिक्स करो, कंसीडर कर लो 1,1 है ये, 2,2 है ये, 3,3 है, इसी तरह -1,1 -2,-2 -3,-3, इन पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर लो। उसके बाद करना ये है कि पॉजिटिव एक्स पे मतलब इस तरफ आपने फ्लोर फंक्शन बनाना है और नेगेटिव एक्स पे आपको सीलिंग फंक्शन बनाना है। जीरो को हम देखेंगे क्या करना है, क्या सीन होगा पूरा। तो फ्लोर फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करते थे, इस तरफ लाइन लगा देते, ठीक है, इस तरफ लाइन लगा दो, इस तरफ लाइन लगा दो, ठीक है। तो यहां पे फ्लोर फंक्शन हो गया।
सीलिंग फंक्शन के लिए आप ऊपर इस तरफ लाइन लगा देते हैं, तो आप इस तरफ लाइन लगा दो, अच्छा जी आप इस तरफ लगा दो, आप इस तरफ लगा दो, ठीक है। तो इस तरफ सीलिंग बना ली, इस तरफ फ्लोर बना दिया। अब ओरिजिन पे क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन पे आप क्या करते थे, जीरो से लेके यहां तक इस तरह करते थे, यह फ्लोर फंक्शन, क्योंकि पॉजिटिव एक्स है ना, पॉजिटिव एक्स पे आप नहीं काम करना है, और नेगेटिव एक्स पे क्या करना है, सीलिंग फंक्शन बना देना। तो एग्जैक्टली वही काम किया आपने। और जीरो पे क्या होगा, जीरो पे कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब जीरो पे आंसर जीरो ही मिलेगा आपको, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जीरो के बाद क्या होगा, जीरो के बाद आपको फ्लोर फंक्शन लेना है, तो जीरो के बाद फ्लोर फंक्शन चल रहा है, क्या आप कुछ भी जीरो पुट करते हैं तो आंसर आपको जीरो ही मिल रहा है, अप टू वन, वन पे आंसर आपको वन मिल गया। तो ये फ्लोर फंक्शन की खासियत है। और जीरो से पहले सीलिंग फंक्शन है, तो देखो जीरो से नेगेटिव आप कुछ भी पुट कर रहे हो आंसर आपको जीरो ही मिल रहा है, आप जैसे माइनस वन पुट करोगे तो अब आंसर माइनस वन मिलेगा, फिर माइनस वन से लेके आप माइनस टू तक पुट करते रहो आंसर आपको माइनस वन ही मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या है, ये सीलिंग फंक्शन है। तो ये सवाल हमारा हो गया। अब आखिरी सवाल है और वो है क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बोला हुआ है कि डज माइनस एक्स ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू सॉरी सीलिंग बराबर है माइनस ऑफ फ्लोर फंक्शन फॉर ऑल रियल एक्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। वो कह रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर अगर मैं पुट कर दूं तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर इसको मैं एक चीज बना के आपको बताता हूं कि अगर आप बात करो किसी भी कोई भी रियल नंबर जो है, फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहे कि बताओ ये इक्वेशन क्या रियल नंबर पे सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, आपको बताना है कि एक्स कुछ भी रियल पुट कर दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। एक तो तरीका मैनुअल पुट करके देख लो, उस सब भी आप देख सकते हो सब रियल नंबर पे हो रही है। एक तरीके की आपको प्रूफ देना, क्योंकि आगे लिखा हुआ है ना गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो प्रूफ आप थोड़ा इस टाइप का दे दोगे, आप बोलोगे यार कोई भी रियल नंबर एक्स है ना वो दो इंटीजर के दरमियान होता है, तो कोई भी रियल नंबर दो इंटीजर के दरमियान होगा ना, या वो खुद ही इंटीजर होगा तो मैं इक्वालिटी भी लगा रहा हूं, तो कंसिडर कर लो जेड वन, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जेड टू कर देते हैं कि एक्स जो है वो दो इंटीजर के दरमियान होगा, जेड वन और जेड टू दो इंटीजर है, जेड वन छोटा वाला इंटीजर है, जेड टू दूसरा वाला इंटीजर है। आप क्या करो, आप इसको नेगेटिव एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो ये इस टाइप की बन जाएगी इक्वेशन जब नेगेटिव से इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करोगे। थोड़ा शेप चेंज कर लेते हैं इसको, माइनस जेड टू और इस तरह कर लेते हैं ताकि दिखने में थोड़ी आसानी हो, ये वाली चीज एक ही बात है लेकिन दिखने में आसानी हो। तो एक ये चीज है, एक हमारे पास ये चीज है, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पर गौर करो कि माइनस एक्स का फ्लोर फंक्शन, माइनस एक्स का फ्लोर फंक्शन क्या होता है, देखो माइनस एक्स मैंने बताया था फ्लोर फंक्शन में कोई भी आप रियल पुट करते हो तो वो दो इंटीजर के दरमियान है, जो बड़ा वाला इंटीजर है वो इसका आंसर होता है। तो माइनस एक्स का अगर आप फ्लोर फंक्शन लोगे तो बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है, माइनस एड वन, तो उसका मतलब माइनस एक्स का जब मैं फ्लोर फंक्शन लूंगा तो मेरे पास आंसर बड़ा वाला इंटीजर आएगा, मतलब माइनस एड वन आएगा। और इसी तरह एक्स का जब मैं फ्लोर लूंगा, ये मैंने सीलिंग लिया, सॉरी अगर मेरे मुंह से फ्लोर निकल रहा हूं, जब माइनस एक्स का मैं सीलिंग लूंगा, ये सीलिंग है ना, तो माइनस एक्स का सीलिंग लूंगा तो बड़ा वाला इंटीजर आएगा जो माइनस एड वन मेरे पास आ गया। और अगर मैं एक्स का फ्लोर लूंगा तो मुझे छोटा वाला मिलना चाहिए, छोटा वाला एक्स जेड वन और जेड टू इन दो के दरमियान है ना, तो छोटा वाला कौन सा, जेड वन है, ठीक है। तो माइनस अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस जेड वन हो जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में बराबर है, क्योंकि इनकी अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो वो आपस में बराबर है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये किसी भी रियल नंबर के लिए बात सही है, ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही होगी। तो छोटा सा प्रूफ है जो आपको देख रहे हैं ना। तो यही सवाल मुझे मुश्किल लगे थे, बाकी तो ऑलरेडी मैंने सारे इतने कॉन्सेप्ट डिटेल में किए हैं, आप लोगों को इशू नहीं होगा।